तो गाइस ये देखिए मम्मी यहाँ क्या देख रही है। मम्मी को आज शौक चढ़ा अनर्सा बनाने का। Hey guys, good morning, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फिलहाल 10:30 बज चुके हैं, मैं उठ गया हूँ और अभी सबसे पहले जाके फ्रेश हो जाता हूँ वरना डांट पड़ेगी। उसके बाद भगवान जी को जल चढ़ाने चलेंगे। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या। So guys, अभी फिलहाल नहा धो कर भगवान जी को जल चढ़ा के भी आ गया हूँ और अब जाता हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। मम्मी ने ब्रेकफास्ट पहले ही बना दिया था मेरे उठने से पहले। तो आज मम्मी ने हमारे ब्रेकफास्ट में बनाया है छोले और रोटी। चलो अभी फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 3:30 और मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। सुबह से कुछ ब्लॉगिंग भी नहीं किया था, बस खाना वाना खाया और उसके बाद कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़े बहुत व्लॉग्स देखे, अपने व्लॉग्स देखे। और एक और अच्छी बात है यार, आज मेरे 150 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच आप सबको। ये देखिए यार, फोन का प्यार, जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखिए गाइस, मतलब अगर नया फोन आया तो कुछ तो थोड़ा करना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी कैसे छोड़ सकता है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है। ओ मम्मी, ऊपर बारिश होने वाला, कपड़ा तो नहीं ना बसा रही हो? चलो ठीक है, आप लोग को मैं मौसम दिखाता हूँ। गाइस बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, ये देखो बाहर एकदम बादल छा गए हैं, आप लोग को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। गाइस ये दाढ़ी को ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तो क्या नाचो मैं? यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दाढ़ी रखना, तो मैं अभी इसको अभी साफ कर देता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। गाइस फिलहाल अभी मैं फेस वेस धो के अभी रेडी हो गया, मम्मी भी उठ गई है और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या बना रहा है। ओए होए, इधर देखो टिक्की बना रहा है भाई। अब तो आपको पता चल गया होगा क्या बनने वाला है, आज हमारे घर में बनने वाला है चाट। देख लो टिक्की का साइज देखो यार, आप टिक्की का साइज देखो, कितना बड़ा बड़ा टिक्की बनाया आज भाई ने। छोटा सा क्यों, बड़ा वाला ले लो, प्याज काट देना। तो अभी मेरा काम मुझे मिल गया है, अब मेरा काम है प्याज काटना। फिलहाल अभी हमारा चाट बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप लोगों ने देखा है जो हम लोगों ने इसमें डाला, मम्मी ने जो सुबह में छोले बनाए थे वो, और उसके बाद दही डाला, टिक्की डाला, थोड़े मसाले जो घर वाले थे वो डाले, रोटी भी इसके साथ, क्योंकि मम्मी ने बोला रोटी भी खा लो। ओ भाई मारो, मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। मैं तो नहीं ट्राई करने वाला, यही ट्राई करेगा। मैं भी नहीं करने वाला, मम्मी के लिए। आप भी बना सकते हो इसी तरह से, अगर आपके घर में भी आलू रहता है या फिर जो नॉर्मल मसाले होते हैं उन्हीं का यूज करके आप भी एकदम मस्त चटकता फड़कता आप बना सकते हो चाट। मैं कैसा बना? मस्त भाई, खाया कैसा? एक नंबर, खुदीर ने तो बनाया है। अभी फिलहाल हमने अपना चाट भी खा लिया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। तो अभी फिलहाल मम्मी यहाँ पर लेटी हुई है और मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत खा के आराम कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है ये जान, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, तू ही सफर है कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
सैम की साड़ी पैच बज रही है और आप लोगों ने एक प्यारा सा गाना भी सुन लिया होगा। तो मैं सिंह चंडूहारा आ गया हूँ फिर से छत पे। चलो ऊपर आके थोड़ा सा बल्ले बल्ले ते शावा शावा कर लेता हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह से बहुत बादल छाए हुए हैं बट बारिश ही नहीं होती यार। मेरा फोन 5 साल पुराना है बट फिर भी देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आती है। वाह वाह पोको F1 की जय हो। अरे मैं तो मैनर्स भूल ही गया, जब भी किसी से मिलते हैं तो उनको पूछते हैं वैसे हो आप। सॉरी सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई बच्चा उड़ा। कैसे हो आप लोग ये तो बता दो, क्या आप लोग भी घर में बोर हो जाते हो मेरी तरह? मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता हूँ। तो गाइस चलो आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो बोलो 1 1 2 1 1 2। आज के लिए इतना काफी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को सिंचन की आवाज अच्छी लगती होगी। तो अगर अच्छी लगती तो यार प्लीज एक लाइक तो जरूर कर देना और एक सब्सक्राइब भी। मम्मी आज लाइट और जलाने का सीन नहीं है क्या? हमें जलाना पड़ेगा, हमको ही जला देते हैं। अगला मजबूरी नो आन जान दे पसूरी नो जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो। तो गाइस ये देखिए मम्मी आ क्या देख रही है। मम्मी को आज शौक चढ़ा अनरसा बनाने का, तो मम्मी सोच रही है कि अनरसा बनाया जाए और उसी के रिगार्डिंग मम्मी रेसिपी देख रही है। मैं कहा यूट्यूब पे। वाह मम्मी वाह, ऐसे ही आप नया नया रेसिपी देखते जाओ, हम लोग को बना बना के खिलाते जाओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे भाई उठ जा, 6:30 हो गए हैं। सस्ते नशे कही हो क्या? गाइस फिलहाल अभी मम्मी ने मुझे भेज दिया दूध लाने के लिए और वक्त हो रहा है भाई सब 8:30 बजने वाले हैं, तो चलो जल्दी से मैं दूध लेके आता हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने शॉपिंग भी कर लिया, दूध वूध लाने के लिए मम्मी बोली थी और मैंने कुछ खाने के लिए भी ले लिया, तो शॉपिंग कर लिया अब चलते हैं घर। और रोटी रोटी है चावल है। चलो यार कोई बात नहीं, आज सब्जी रोटी आज हमारे डिनर में रहेगा। नहीं हमको नहीं आता, हम नहीं बना सकते। नहीं वो सिर्फ रोटी बनाता है। ये जो मेरे मुंह पे साइलेंस है ना, इसी का मतलब कि सब्जी बनाने नहीं आता। सो गाइस यहाँ पे किसी को भी सब्जी बनाने नहीं आता। मैं एक बार रोटी बनाने का ट्राई किया था लेकिन इतना कड़ा बन गया था ना कि यार मैं नहीं खा पाया था। मैं अपना रोटी खुद ही नहीं खा पाया। मेरे को तो ये लगा था हथौड़े से तोड़ना पड़ेगा। कुछ खास होता है कभी कुछ खास नहीं होता है, कभी दिन अच्छा जाता है कभी दिन बहुत ही बोरिंग चला जाता है। तो लाइफ में हमारे जो होता है वो सब आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं बहुत डांट पड़ जाती है, मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो मैं नहीं दिखाता यार, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। गाइस आज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और फिर जल्दी हमारे 1000 मैं भी क्या बोल रहा हूँ 1K कंप्लीट आप लोग करवा दो। आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हम पे अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे बाय।